माइनक्राफ्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाले वीडियो गेम है, जिसमें गेमर्स 3D बॉक्सेस के द्वारा कलाकृतियां बना सकते हैं। यूं तो ये गेम पहली बार साल 2009 में सबके सामने आया था, लेकिन फिर भी कई लोगों को पहली बार माइनक्राफ्ट के बारे में तब पता चला जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाने वाली कंपनी को $2.5 अरब में खरीद लिया। माइनक्राफ्ट मार्कस पर्सन के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक स्वीडन की डिज़ाइनर तथा प्रोग्रामर है। माइनक्राफ्ट गेम का पहला नेम केव गेम था, जिसको बदलकर माइनक्राफ्ट रखा गया। इस गेम को सिर्फ 6 दिनों में बनाया गया था। माइनक्राफ्ट गेम में पूरा डेनमार्क बनाया गया था, फिर बाद में कुछ हैकर्स ने उस जगह को खराब कर दिया। स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम के एक स्कूल में 13 साल के बच्चों के पढ़ाई में एक सब्जेक्ट माइनक्राफ्ट का ही है और उन्हें यह सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। उनका मानना यह है कि इस गेम को लिमिट में खेलें तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। यह गेम काफ़ी लाइटवेट है, लगभग सारे वेबसाइट्स में यह गेम चलता है, आप भी इसे डाउनलोड करके खेल सकते हैं। तो गाइस, आप में से कितने लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं नीचे कॉमेंट करके बताएँ।